साथियों नमस्कार। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा प्राकृतिक तरीका बताने जा रहा हूं जिस तरीके की मदद से आप अपनी गाय भैंस का दूध जो है वो अच्छी तरीके से पूरा का पूरा पावसा सकते हैं, यानी लेट डाउन फुली होगा। इसके अलावा जब लेट डाउन फुली होगा तो भाई दूध भी बढ़ेगा, यानी दूध पावसने में और दूध बढ़ाने में दोनों में मैं जो आज आपको प्राकृतिक तरीके बताने जा रहा हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सिद्ध होने वाले हैं हर एक पशुपालक भाई के लिए। देखिए, हमने एक वीडियो बनाया था अगर आपको याद हो तो, उस वीडियो में हमने मिल्क लेट डाउन की यानी दूध पाउस आने की पूरी प्रक्रिया आपको समझाई थी। एक हल्का सा समराइज में अगर करूं तो जो ही हम किसी गाय भैंस को दूध दूहने के लिए बैठते हैं तो उस समय हम उसके थनों को स्टिमुलेट करते हैं। तो एक तो हम उसके थनों को स्टिमुलेट करते हैं, एक उसका बच्चा, खुद का बच्चा थनों को स्टिमुलेट करता है। ये दोनों प्रक्रियाएं जो है वैसे तो दोनों ही बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन अगर बच्चा स्टिमुलेट करता है तो बहुत ही शानदार रहता है, बाकी हम भी स्टिमुलेशन की प्रक्रिया कर सकते हैं। जो ही अडर में स्टिमुलेशन की प्रक्रिया होती है सीधा का सीधा तंत्रिका तंत्र की मदद से संदेश जाता है मस्तिष्क में, और मस्तिष्क में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वहां से निकलता है फ्रेंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जिसको आप जानते हैं पाउसाने वाला हार्मोन के नाम से। ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध भी है, आप सभी को पता है। तो ये ऑक्सीटोसिन निकलता है ब्रेन से, मस्तिष्क से, और वहां से निकल करके और ये ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है अडर के, और ब्लड के माध्यम से ही ये यहां पहुंचता है। और यहां आने के बाद ये क्या करता है, यहां आने के बाद यहां की पूरी एक्टिविटी को बढ़ाता है और दूध पावसाने में पूरी की पूरी मदद करता है। अब पावसाना और बढ़ाना दोनों इसके ऊपर डिपेंड करता है, दोनों ही चीजें ऑक्सीटोसिन कवर करता है। ये एक साइंटिफिक चीज है जिसको हमें समझना पड़ेगा। अब उस चीज को हमारे वाली चीज पर हम कैसे उतारे, यानी हम पावसाने में और दूध बढ़ाने में इस चीज का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। देखिए, जो ही संदेश मस्तिष्क तक जाता है तो कुछ समय के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन का जो लेवल है वो ब्लड में बहुत ही शानदार रहता है, और उस समय दूध उतारने की और दूध बनाने की बनता पहले ही है, लेकिन दूध की जो स्पीड है वो उस समय बढ़ जाती है। अगर दुधैया यानी दूध दूहने वाला अगर दोहन थोड़ा जल्द करे, यानी जो कुछ समय होता है जिनमें 3 से 5 मिनट का, 10 मिनट का समय ले लीजिए, इससे ज्यादा नहीं, 5 मिनट का समय इसके लिए उपयुक्त तो होता है, तो दूध दूहने वाला जो व्यक्ति है वो इतना होशियार होना चाहिए कि जल्दी से जल्दी उस दूध को निकाल ले। पहला तरीका, सबसे इंपॉर्टेंट तरीका दूध पावसाने का जो प्राकृतिक तरीका है वो यही है कि दोहन जल्दी किया जाए ताकि ज्यादा दूध लिया जा सके। इसके अलावा दूसरा जो तरीका है फ्रेंड वो होता है कि पशु की भावनाएं जो है वो दूध उतारने से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई रहती है, और उन भावनाओं में शामिल है वो स्थान जहां पे दोहन किया जाता है, जहां पर दूध निकाला जाता है, यानी स्थान जो है वो फिक्स होना चाहिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कभी किसी स्थान पर आप बांध करके दूध निकालते हैं, कभी किसी स्थान पे, कभी किसी स्थान पे, तो भाई वो स्थान जो है ना वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, नोट कर लीजिए। स्थान के साथ साथ इंपॉर्टेंट है सेकंड चीज, और वो है समय। अगर आप जिस सीरीज से, मान लीजिए आपके पास गायें बहुत ज्यादा है, भैंसे बहुत ज्यादा है, तो जिस लाइन से आप दूध निकलवा रहे हैं उसी लाइन से हमेशा दूध निकलवाइए, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम कैसे, अगर दूध निकालने में मान लीजिए कि आपने 0 से शुरुआत की, पहला 1 नंबर वाली है, 1 नंबर वाली से लेकर के और 16 नंबर वाली तक आपने दूध निकाला, और कभी आपने उल्टा क्रम कर दिया, 16 से 1 नंबर वाली तक दूध निकाल रहे हैं, तो भाई वो गलत सिद्ध हो सकता है। इसीलिए आपको क्या करना है, आपको विशेष ध्यान रखना है समय का। तो अगर मान लीजिए आप 15-20 गायों का दूध निकाल रहे हैं तो भाई समय में बदलाव तो जाहिर है हो ही जाएगा, तो आपको बदलाव नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा आप इधर उधर ले जा सकते हैं, इससे ज़्यादा कभी मत ले जाइए। अगर आप आधे घंटे का गैप डाल देते हैं तो वो आपके लिए गलत रहेगा। मेरे कहने का मतलब है कि समय फिक्स होना चाहिए,
ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा जो दूध दुहने वाला व्यक्ति है वो भी सेम होना चाहिए। ऐसा प्रयास कीजिए कि दूध दुहने वाले जो हाथ है, जो स्टिमुलेशन अंदर दे रहे हैं, वो भी वही रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि दूध जो निकाल रहा है वही व्यक्ति रोज निकाले, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इन तीनों चीजों से, जो स्थान, समय और दुधैया वाली चीजें हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कई बार हम स्किप कर देते हैं इन चीजों को, छोड़ जा रहे यार कहीं पे भी निकालो ना, क्या है, गाय वही है और दूध वही है। नहीं, गाय वही है, भैंस वही है, लेकिन दूध जो है वो बढ़ सकता है अगर आप इन तीनों चीजों को, स्थान, समय और दूध निकालने वाले व्यक्ति को सेम रखिए, बहुत शानदार रहेगा। इसके अलावा एक प्राकृतिक तरीका और मैं आपको बताने जा रहा हूं, और वो तरीका है कि जिस समय आप दूध निकाल रहे हैं उस समय भाई पशु को तनाव मुक्त रखिए, यानी किसी प्रकार का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। स्ट्रेस क्या होगा? स्ट्रेस शोर शराबे का हो सकता है, कुत्ते बिल्लियां कोई दिख जाना करना उनका हो सकता है, स्ट्रेस उसके नजदीक में जो गाय हैं भैंसे हैं उनका हो सकता है, स्ट्रेस आदमी दो चार आ रहे हैं उनका हो सकता है, गाड़ियों की आवाज आ रही है, मतलब बहुत सारे स्ट्रेस है जो हो सकते हैं। तो जहां तक हो सके एकदम से शांत वातावरण में, जो हमेशा उसे मिलता है, उसी शांत वातावरण में आप दूध निकालिए तो भाई बहुत ही शानदार रहेगा। इसके अलावा दूध निकालते वक्त पशु खुश होना चाहिए। खुश कब होगा? जब आप उसे उसका मनपसंद पसंदीदा आहार देंगे। भाई पसंदीदा खाना मिलेगा तो जाहिर है खुश होगा, तो खुश करने के लिए आप उसे पसंदीदा आहार भी उस समय उसके सामने रखें, दाना मिश्रण जो भी आप दे रहे हैं पसंदीदा उसके सामने रखिए। तो वो भाई खर्चा तो उतना ही होना है, देना वो देना ही देना है, तो उस समय आप दीजिए ताकि उससे वो प्रसन्नचित रहेगा और अच्छा दूध देगा। तो भाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक चीज मैंने देखी है और वो ये है कि दूध जब निकाला जाता है उस समय अगर दूध निकालने की विधि अगर गलत है तो भाई थनों में कई बार हल्का हल्का दर्द होता है और स्ट्रेस की कंडीशन पैदा होती है। तो इसीलिए आप ये विशेष प्रबंध करें कि मुट्ठी वाली जो विधि है, मुट्ठी वाली, उस मुट्ठी वाली विधि का इस्तेमाल कीजिए, तो इससे भी पशु को स्ट्रेस कम होता है और पावसने में ज्यादा मदद मिलती है। तो भाई पावसेगी, स्ट्रेस कम होगा तो जाहिर है दूध बढ़ेगा, ये बिल्कुल तयशुदा बात है। तो ये तरीका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी सूरत में उसे डराना नहीं है, उसे धमकाना नहीं है, एकदम से उसके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना है, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसको सहलाना, उसके ऊपर दूध निकालने से पहले हाथ फिराना, बिल्कुल प्यार से पुचकारना, ये प्यार से, पशु है तो क्या हुआ, प्यार की भाषा तो सभी समझते हैं। तो भाई अगर आप प्यार से हैंडल करेंगे ना तो बहुत ही आनंद मिलेगा पशु को, और ऐसी कंडीशन में प्रेम पूर्वक तनाव मुक्त और एक ही स्थान रोज मिल रहा है, एक ही दूध निकालने वाला मिल रहा है और बिल्कुल दोहन भी जल्दी और विधि भी अच्छी इस्तेमाल की जा रही, तो ऐसे जो तरीके हैं इनसे प्राकृतिक रूप से गाय भैंस को पावसाना भी आसान है और दूध बढ़ाना तो भाई आसान है ही। स्काईलार्क पशु आहार, संपूर्ण पोषण दूध की बहार, स्काईलार्क का वादा सेहत और लाभ सबसे ज्यादा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।